बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में, बड़ी यकसानियत है तुम में और इन बादलों में, आते हो छाते हो बरसते हो चले जाते हो। Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, Dost Jigjani, yani ke Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर, की हालत वाडा, ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जनाब जिन जिन की आज बर्थडे है उनको बोलेंगे जी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी ते मेनी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, इसी दुनिया में हल्के फुल्के तके खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जी मेरी तरह, उन्हें बोलेंगे गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर्स दिए ही रखा, छुट्टियां मनाओ, मजे करो। जनाब मुझसे रब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471, अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे जनाब 4471 यानी 4471 पे। और जनाब उसके बाद बारी आती है जी 101 के मुफ्त यानी कि फेसबुक यूजर्स की। सो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना पैगाम मुझ तक पहुँचाएंगे जी। दोनों जगहों से आज मैसेजेस पढ़े जाएंगे। पहले 30 मिनट आप लोगों की हाजिरी होगी और उसके बाद मैं बताऊंगा जी आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या। जनाब प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, ट्रैक कॉल्ड बारिश। एंजॉय कीजिएगा, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मारा नाम माननी है, अल्लाह की कसम है। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो। कहीं एक सांस है गूंजी, तेरी आवाज है गूंजी, मेरी खामोशियों को अब कर दे बयां। तेरे बिन बेवजह सब है, तू अगर है तो मतलब है, नहीं तो टूटा सा अधूरा कारवां। एक तेरा रास्ता, एक मेरा रास्ता, नहीं ओ रहना वे जुदा, नहीं ओ रहना वे जुदा। एक तेरा रास्ता, एक मेरा रास्ता, नहीं ओ रहना।
आप लोगों के 4471 के मैसेजेस यानी कि 4471 पे जो लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, जरा देखते हैं जी हाजिरियां कहां कहां से लग रही हैं। माहिर अहमद कह रही है मरी से, सलाम मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, प्यारा हूं, हिट हूं, फिट हूं, लश हूं। मलिक आजाद है जी तलागंग से कह रहे हैं मानी भाईजन स्कूल से तो छुट्टियां हो गई हैं लेकिन मेरी छुट्टी खत्म हो गई है और परसों वापस मैं कराची जा रहा हूं। आई लव पाकिस्तान आर्मी। ठीक हो गया, थैंक यू फॉर टेक्सटिंग इन, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, कराची जाओ वहां पे सी व्यू देखो जाकर, ठीक है। तो की रहमत है जी कोहटा से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं, लव यू, मैं प्यारा हूं। काशिफ अब्बासी कह रहे हैं लिल्लाह मुर्शद कुर्बान, अगली ईद पे लगाऊंगा कुर्बानी। बहावलपुर से जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी, मैं ठीक हूँ। हबीबा कुरेशी मैसेज कर रही हैं। हफ्जा इमरानिया ने जी गुजर खान से कह रही है मानी भाई एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ आपकी आवाज, क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है, आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। अच्छा जी नाजी इमरानियन चकवाल से मैसेज कर रही है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी जी मैं भी प्रेजेंट हूँ। ये जी के ऊपर जो आपने 500 किलो वजन डाला ना, माँ कुर्बान जाया। अच्छा जी रबिया ने जहलम से मैसेज किया, कह रही है नाइस शो शुक्रिया। उसके बाद काशिफ अब्बासी ने मरी से फिर से मैसेज किया, कह रहे हैं मरी बहुत ठंड हो गई है मानी जी, हाय हाय फट्टे फट्टे चाक देते आज, सर्दी बहुत सर्दी है जी। सिद्रा हया जी उन्होंने गुजरा वाला से मैसेज किया, कह रही है लासानी मारिया उचना मुजना सिद्रा चीकू नाजी सदाम मेहताब भाई और सबको सलाम, ठीक है। दाऊद खान ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रहे हैं कैसे मानी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम ने मैसेज किया, मरियम परेरा ने रावलपिंडी से मैसेज किया, कह रही है सलाम मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2013-14 में आपको मैसेज किया करती थी और आज काफी टाइम के बाद आपको सुना। उनकी दोस्त जो है तानिया वो शो सुन रही हैं, सो उनकी वजह से आज उन्होंने दोबारा से सुना। तानिया क्या बात है, आप बंदे घेर के लाती हैं मेरे शो के लिए हैं। अच्छा जी इमसाल अली शालू है, कह रही है ओए डीजे कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह रही है मेरा नाम 3 दफा लो, छोटा सा नाम होता तो मैं 3 दफा ले लेता, एड्डा लंबा नाम है। अच्छा जी मेहताब इमरानी ने पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है मानसेरा से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं लव यू मानी भाई मेरे नाम के लिए कुछ शायरी ही सुना दे, आय हाय वो है ना कि पाने की ख्वाहिश से खोने के दुख तक है मेहताब, पाने की ख्वाहिश से खोने के दुख तक जो गुजर गई दरमिया वही मोहब्बत थी। अच्छा जी मंतशा इमरानियन है, उन्होंने अटक से मैसेज कर रही है, कह रही है सलाम लाला कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हलीमा इमरानियन है, उन्होंने रावलपिंडी से मैसेज किया, कह रही है कि मुझ मासूम इमरानियन के लिए भी एक शेर पढ़ दे। इमरानियंस के लिए तो वो है ना कि मेरी चाहतों को नवाज दे, मेरी चाहतों को नवाज दे, तू मुझको इतना प्यार दे, मैं बहक सकूं तेरे रूबरू, मुझे खुद पे तू इख्तियार दे, तुमसे शुरू तुम पे खत्म मेरी जात को वो खुमार दे, मुंतजर निगाहें दीद को तेरी, कुछ ख्वाब इनको उधार दे, तेरे बिन मुयस्सर सकूं कहां, अथाम मुझको करार दे, वफा सजा सब भूल कर मानी, वफा सजा सब भूल कर मानी, तू साथ बस मेरा यार दे। जी का
काशिफ कह रहे हैं मरीज के मोमना बासी, अच्छा उसने वैसे अबासी नहीं लिखा, उसने लिखा मोमना बासी। अच्छा निका अबासी, अमल अबासी, सुंदस बासी, फिजा बासी, जवेरिया बासी, मुजना आंटी, अच्छा माहीन अहमद, हानिया अवान, साकिब हाशमी, अनाया शाह, अनीता, ठीक है जी, इन सबको सलाम है जी। एक ही मैसेज में 26 बंदे भुगता दिए वैसे तुमने। अच्छा जी, ईशा नूर इस्लामाबाद से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि एक नज़म दिसंबर पे भी लिखे ना। लिखते हैं, लिखी पड़ी है, दिसंबर तो आने दे। अच्छा जी, शुमैला सियालकोट से कह रही हैं कि बारिश, चाय और आपकी खूबसूरत आवाज, हाय हाय मजे आ गए हैं, मजे मजे। अच्छा वैसे इस मजे से ना मुझे मेरा हमनाम इमरान याद आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद उस्मान ने एबटाबाद से कॉल की, कह रहा है मैसेज किया, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आरजे जावेद की को शादी मुबारक हो। आरजे जावेद ने शादी कर ली, किन्ने की थी है? मतलब ओदे नाल किन्ने की थी है? उसने कर ली है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है वैसे। उसके साथ किसने की है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। चले जी, जावेद खान को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, दाऊद खान ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई तुसी ग्रेनेड हो, ठीक हो गया। काशिफ अब्बासी फिर ने मरी से मैसेज किया, हरीम ने, मिरहा ने, इमरानी ने, छोटा पंजाब, छोटा लाहौर, सवाबी से, मानी भाई कैसे हैं जी, गेट वेल सून, आई मिस यू। अच्छा जी, निदा ने मैसेज किया, कहां से जी, कह रही है खराब मानी कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फैसलाबाद से मैसेज किया इन्होंने। काशिफ अब्बासी ने मरी से मैसेज किया, काशिफ इकट्ठे को बहुत सारे मैसेजेस, जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है काशिफ का मैसेज आ जाता ऊपर, ठीक हो गया। हसीब अब्बासी है जी, न्यू मरी से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई प्लीज मैसेज पूरा पढ़िएगा। पढ़ लिया मैंने, अकेले पढ़ लिया, बस ऐसे किया कि दुनिया को नहीं सुनाया तुमने क्या लिखा। साकिब हाशमी जो है वो सुहावा से मैसेज कर रहे हैं जनाब, 4471 से आप लोगों के मैसेजेस, अगले 3 से 4 मिनट मजीद मैसेजेस पढ़ेंगे और उसके फौरन बाद हम जाएंगे जी 101 के ऑफिशियल पेज की तरफ। तो जितने भी इमरानियंस है, बच्चा पार्टी है, मुफ्ते हैं, सब पहुंच जाए 101 के ऑफिशियल पेज, facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। हमारा नाम माननी है। अच्छा जी, माहीन अहमद कह रही है जी, रजाई में घुस के सुनने का सीजन आ गया मानी, आ गया मजा, ठीक हो गया। आलिया ने सियालकोट से मैसेज किया, कैंट से कह रही है सलाम मानी कैसे हैं आप, मेरे मैसेजेस क्यों नहीं पढ़ते? आलिया आपका मैसेज तो पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, जिया लकी ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रहे हैं मेरे लिए भी एक शेर पढ़ दे। आए हाय आपके लिए वो शेर है ना कि दुआओं से भी पहले अब सजदों में मिल रहा है तू, दुआओं से भी पहले अब सजदू में मिल रहा है तू, तेरी सोच से ना निकले तो काफिर कहेगी दुनिया। वैसे तुम्हारे पे सूट बिल्कुल नहीं किया। अच्छा जी, मोहम्मद अफसर इमरानी कह रहे हैं, ओए डीजे आई एम लिसनिंग यू, मौसम बहुत ही हसीन है, मैं भी हसीन हूँ। कह रहे जी आज शो भी जो है ना वो मौसम की तरह होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, पिशावर से शहर मैसेज कर रही है, कह रही है भाई संगे जाखेम ता संगे। इरफान खान तलागंग से कह रहे हैं कैसे मानी मेरे हीरो, मैं ठीक हूँ जी। अच्छा जी, अनिका मलिक है, उन्होंने कहा सलाम मानी भाई कैसे हैं, शो सुपर डुपर हिट है जी, ठीक हो गया, वो तो हिट ही है। अच्छा जी, मलिक आजाद तलागंग से मैसेज कर रहे हैं, उसके बाद रहमत जैन है जी बहावलपुर कैंट से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, आज बहावलपुर में आपका चैनल क्लियर नहीं आ रहा, बस एक काम करें आपने टाकी लेके साफ करना है। अच्छा जी, बुशरा ने सरगोधा से मैसेज किया, कह रही है कि मेरी आपी आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनती हैं, आपी फातिमा को मेरा सलाम 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 सलाम। अच्छा जी, अताउल्ला खान है जी, उन्होंने बखर से मैसेज किया, हिना ने चकवाल से मैसेज किया, कह रही कैसे हैं प्रोग्राम अच्छा है।
और कभी भी आपने किसी भी प्रोग्राम में मेरा मैसेज नहीं पढ़ा है ना, देखें जिस प्रोग्राम में आपने मुझसे गिला किया उसी प्रोग्राम में मैंने आपका मैसेज पढ़ दिया। अच्छा, सबाहत रानी मैसेज कर रही है, कह रही है प्रोग्राम अच्छा है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मानी जी? आयशा पाकिस्तान आर्मी से, मैं भी प्रेजेंट हूँ। वेलकम टू द शो। चीकू, अनिला, मारिया, अजमत, सबको सलाम जी। यहाँ पे बहुत सारी टीमें मौजूद है। हिफ्जा इमरानियन गुजर खान से मैसेज कर रही है, कह रही है मेरे लिए भी एक शेर पढ़ देना। आपके लिए भी एक शेर पढ़ी दूं? ना करें, आज रहने दें। मेरा ख्याल है वो है ना कि मान था जिस पर वो रस्में उल्फत तोड़ दी हमने, नहीं वो था कि मान था जिस पर वो रस्में उल्फत तोड़ दी मैंने, सोचू की कश्ती यादों के साहिल से मोड़ दी मैंने, दिल और वक्त बुला के काफिर निकले मानी, दोनों की अब से सुननी छोड़ दी मैंने। अच्छा जी, सादिया ने चकवाल से मैसेज किया, कह रही है पहली बार आपको मैसेज कर रही हूँ, स्टार्ट बड़ा अच्छा था वैसे, ठीक हो गया। एम उस्मान जो है विहाड़ी से कह रहे हैं क्या हाल है सर? और भाई मैं तेनू ट्यूशन पढ़ाना, चलो कोई गल नहीं। अच्छा जी, नैना अवान कह रही है कि इमरान सबको सलाम। वालेकुम सलाम। सोविया ने मुल्तान से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं जी? कह रही जी आपका शो बड़ा अच्छा होता है जी, आज पहली दफा मैसेज कर रही हूँ, इससे पहले आपका अंगूठा खराब था, बैलेंस नहीं था, मोबाइल नहीं था, क्यों नहीं करती लड़की? वकार ने अटक से मैसेज किया जी, मुस्तंसर गोंदल है जी जेहलम पिंड दादन खान से मैसेज कर रहे हैं। अच्छा जी, अनम अवान कह रही है कैसे हैं शायर जानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सिद्रा हया ने गुजरावाला से मैसेज किया, कह रहे हैं 101 की शान कैसे हो इमरान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, चौधरी शाहिद इमरानियन है फैसलाबाद से, क्या बात, अच्छा आ गए आप। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, वेलकम टू द शो। शो बहुत अच्छा है आपकी तरह, और कल मेरी बर्थडे थी, ख्वाहिश थी कि आप विश करें, इसीलिए आप मुझे विश करें, प्लीज प्लीज प्लीज। सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मेनी मेनी ते मेनी मेनी ते मेनी मेनी ते मनी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। चलो धक्के ना खाओ, क्या याद करोगे। अच्छा जी, हानिया अवान रावलपिंडी से कह रही है मानी जी हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। को खड्डा ढूंढ के छाल मारो। अच्छा जी, सुलेमान हूँ मैं फतेह जंग से, मुदस्सिर मुझे पता नहीं क्या भजन आपने, मेरा ख्याल है पाँव के साथ रोमन उर्दू लिख के भेज दिया, नहीं इतनी स्पीड में नहीं पढ़ सकूंगा। मोमना हनीफ सियालकोट से कह रही है अस्सलाम वालेकुम आरजे, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत पहले से थोड़ी सी बेहतर है, कह रही है शो ऑसम है, और सर्दी और स्ट्रॉन्ग टी, ऑसम वेदर और साथ आपका शो, क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो ये मैसेज मोमना हनीफ की तरफ से सियालकोट से मुझे पहुंचा, बहुत शुक्रिया। आप एक काम करें, इतने अच्छे मौसम में आप हेडमराला जाएं और दो चार चुबियां मारें, वापस आएं, देखें कैसी हशाश बिशाश होती हैं आप। अच्छा जी, जवाद ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, उसके बाद जी मेरा एसएमएस जरूर पढ़िएगा, मुद्दत से जिनकी आस थी वो मिले भी तो यूं मिले, हम नजर उठा के तड़प उठे वो नजर झुका के गुजर गए। ये जी कैसर ने मैसेज किया है कराची से, कैसर बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। समिया ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है कैसे मानी? मैं ठीक हूँ, कह रही है जी के यू आर ग्रेनेड, फटी जाऊंगा किसी रोज मुझे लग रहा है। पिशावर से सहर मैसेज कर रही है, अनम अवान कह रही है ओए डीजे मौसम हसीन तरीन है, हसीन तो मैं हूँ तरीन मौसम होगा। अच्छा जी, कायनात लाहौर से मैसेज कर रही है, कह रही है कैसे हैं, मेरे लिए भी एक शेर बोल दे। आपके लिए वो शेर है ना मेरा, वो गजल का एक शेर है कि दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है। अच्छा जी, अरफा आबासी हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। उनकी कजन जो है शबाना भी सुन रही है, सो उसकी तरफ से उसको सलाम जी। अरफा की तरफ से शबाना के लिए सलाम आया, ठीक है। सफा इब्रार मैसेज कर रही है, कह रही सलाम भैया आपकी आवाज बहुत प्यारी है, सच्ची मुची है, ना कर लड़की ऐसा, तो ना करना ना करना।
चलो कह रही हो तो मान लेता हूँ। अच्छा जी, सिद्रा हया गुजरावाला से कह रही है, भाई लासानी बहन के लिए को शेर कह दे प्लीज, लाजमी कहना है भाई आपने। आए हाय, चलो वही गजल चल रही है तो उसी के दो शेर हम सुनाए देते हैं आपको। वो है कि जालिम जमाना जालिम है सब लोग यहाँ, जालिम जमाना जालिम है सब लोग यहाँ, हो ना जाए बदनाम रुसवा ही से डरता है, मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, कह नहीं पाता पर दिलो जा से मरता है। जी शिराज इब्रार जेलम से कह रहे हैं, वैली आजाद कश्मीर से पहली दफा प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा है, मेरी तरफ से तमाम टीम को सलाम। सो जनाब अभी हम चलेंगे एक अदद टाइम चेक की जाने, वापसी होगी फिर होगी गपशप, स्टे ट्यून्ड टू 101। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं मिल जाऊंगा। Check. It's 10:30 p.m. We'll be back after the short commercial break. रात के 11 बजे ओ मेरा फोन बजे, रात के 11 बजे ओ मेरा फोन बजे, तलब से आंख बचाके लगाके फोन छुपाके, ओले होले कनिया में कनिया कौन है की कहता है। मिले मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट ओनली ऑन टेलीनॉर 4G। रात के 11 बजे ओ मेरा फोन बजे। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। This is FM 101, where your spirit is set free. 101. FM. Talk about music! Talk about music, talk about 101, the station with richest sound. Tune in to the 101. तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, करे आई फोन लाइक रखे हाया पुसा बाइक, आई फोन लाइक रखे हाया पुसा बाइक, मार सर चाटू हॉलीवुड रॉक ते, तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तू अंजलि न लगती जिमी चुचू पावे नी तू चाली चाली लख दी, अदी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगती जिमी चुचू पावे नी तू चाली चाली लख दी, फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जिणिया उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साडा ठग दी, तेरा एपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन, एपड़ वाला फोन वखरी है तेरी टोन, लागे अखां दे निशाने मुंडे ठोक दे, तैनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते, तैनू तकिया
ਘੇਰਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਟਾਕੇ ਰੱਖ ਦੀ ਪੋਸਰਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਾ ਬਣਾ। जनाब आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम फिर आगे चलते हैं। जनाब आपको तीसरा राब्ते का नंबर भी बताते हैं कि आप कहाँ से मुझ तक पहुँच सकते हैं। मुझ तक तो खैर आप नहीं पहुँच सकते लेकिन यकीनन इस टाइम जितने लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो सारे के सारे एफएम जो है वो सुनते हैं। तो जनाब आज एक छोटी सी हम वैसे ही गपशप लगाएंगे। मतलब मौसम इतना अच्छा है, यकीनन पाकिस्तान के सभी जितने भी इलाके हैं वहां पे बारिश हो रही है। कोई कोई शहर होगा जब बारिश नहीं हो रही। सो सारे के सारे अखीर किस्म का मौसम पाकिस्तान का इस टाइम पे है और सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है और बर्फबारी भी हो रही है। बड़ा खूबसूरत मौसम, बड़े खूबसूरत लोग इस्लामाबाद के आज देखने को मिले। सो जनाब आज हम प्रोग्राम में करेंगे ये कि इतनी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, इतना सब कुछ मौजूद है तो रेडियो की क्या अहमियत है। रेडियो मतलब क्यों सुनते हैं आप लोग, इतनी आपके हाथ में एप्लीकेशन, आप ये करें वो करें ऐसे करें वैसे करें। तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप रेडियो क्यों सुनते हैं, ये आप मुझे 101 के ऑफिशियल पेज पे भी बता सकते हैं, 4471 पे भी बता सकते हैं और कॉल पे भी मुझे बता सकते हैं। और जनाब आपकी नजर में ऐसे मौसम का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? आय हाय, मतलब क्या ऐसी तीन चीजें होनी चाहिए आपके साथ कि आप इस मौसम को सही एंजॉय कर सकें? हाँ जी, मेरा सवाल है कि आप सही एंजॉय कर सकें। लेकिन इतना लिहाज करना है ये स्टेट चैनल है। जनाब इतनी एप्लीकेशन, इतना सब कुछ, इतनी जिद्दत, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आप रेडियो क्यों सुनते हैं, ये मेरा सवाल है। और उसके अलावा बेस्ट कॉम्बिनेशन इस खूबसूरत मौसम में आपके पास क्या तीन ऐसी चीजें हैं जिनको आप मिस करते हैं? ये तीन चीजें हों तो बस ये कॉम्बिनेशन मुकम्मल है जी। मेरी जो है ना, ये खूबसूरत रात जो है वो अच्छी है, खूबसूरत दिन जो है अच्छा है, ये जो मौसम है इसको मैं अच्छा एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन ये तीन चीजें होनी चाहिए मेरे साथ। जनाब मुझसे राबते का तीसरा नंबर 1111 ये नहीं 1100101 रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड, और गलती से अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। सो 0092511111 मानी से राबते का नंबर जी। पार्टी च डॉलर नु टंके रख दी पोसरा दा घेरा जा बना के रख दी छेड़े ना कोई मुंडा तेनु हानी वरगा बिल्लियां अखा ना कोरी पाके रख दी वजे बादशाह दी बीट मंच सुर में दगी बादशाह दी बीट मंच सुर में दगी पावे पंगड़ा तू केड़ी गल फोकते तेनु तके मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट फोकते तेनु तके मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट फोकते तेनु तके मैं बिलो टिकटॉक तो जनाब इस ट्रैक से जब मैं वापस आऊंगा तो डायरेक्टली आपकी कॉल्स की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी हमारे साथ लाइन पर कौन है और क्यों सुनते हैं आप लोग रेडियो। तेनू तकिया होश ही भुल गई गर्म गर्म चा हथ ते डुल गई चा सजना ऐसी तेरी निगाह सजना जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उच्चिया दीवारा रखिया नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख
चाहे पर मैं डरनी ही आं, मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़नी ही आं, मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी ही आं, मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़नी ही आं। ख्वाब अपने अपनी अखियां बिच संभाले मैं, ऐसे नहीं ते दिल ते अपने लाले ताले। जनाब 111-000-101 मुझसे रब्ते का नंबर जी, देखते हैं जी लाइन पर पहले कॉलर कौन मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? मोहसिन बात कर रहा हूँ, सियालकोट से। मोहसिन ने सियालकोट से कॉल किया। मोहसिन क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मोहसिन क्या करते हो? जी मैं पढ़ाता हूँ। क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं, जबरदस्त हो गया ये तो। अच्छा तो मुझे ये बताओ, इतनी एप्लीकेशन इतना सब कुछ होने के बावजूद रेडियो क्यों सुनते हो? जी भाई मैं रेडियो इसलिए सुनता हूँ कि मुझे मैं एक दो घंटा दिन के शो सुनने के लिए सुनता हूँ, उसके अलावा रेडियो पे जो है न्यूज वगैरह मिल जाती है। ठीक हो गया। तो इस सर्दी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सर्दी के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो आज गेम होनी चाहिए थी। अच्छा आज गेम होनी चाहिए थी। जी ठीक हो गया, इनके गेम हो सर्दी हो और बस ठीक है जी। भाई का कॉम्बिनेशन वैसे मेरी समझ में को नहीं आया। नहीं नहीं, आज के जो है ना गेम होती तो और ज्यादा मजा आता। नहीं वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी मजा आएगा, इंजॉय करना है तुमने। ठीक है, अगर नहीं भी करना तो खुद को खुद ही इधर कुतकतानियां निकाल लेनी है। ठीक है पंजाबी। अच्छा वैसे 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 नहीं, वैसे उर्दू वाले सारे जो है ना वो गुदगुदी समझते हैं, लेकिन पंजाबी तो समझते हैं ना सारे। हाँ पंजाबी में गुदगुदी को कहते हैं कुतकुतानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं नब बात कर रही हूँ सियालकोट। सियालकोट लग रहा है आज, बड़ी ट्रांसमिशन साफ जा रही है। अच्छा लाया ने तो कहाँ तो लांदे ही नहीं। अच्छा लांदे ही नहीं, इन्होंने दो लाइया ने इस बार ला रहे ने। चंगा जीता। अच्छा ते दसो फिर तुसी रेडियो क्यों सुनते हो? हाड़ी आदत है, आदत तो मजबूर है। अच्छा आदत तो मजबूर है, तो बाकी किसी और चीज की आदत नहीं पाई तुसी? हाँ आदत है ना जी आंदी कोल, कोई जी भी होना चाहिए कल्या डर लगता। अच्छा तो जी का मतलब है रेडियो जी है ताडा? हाँ जी। चलो ये भी गल ठीक है जी, रेडियो घर का फर्द है जी इन्हों का। सियालकोट क्यों ना कॉल? अच्छा ते सर्दी दे मौसम च केड़ियां तीन चीजा होनिया चाहिदियां ने, के ए जरूर होनिया चाहिदियां ने? वैसे तो काफी होनी चाहिए। अच्छा और दूसरा सूप होना चाहिए और तीसरा फैमिली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फैमिली। अच्छा, सारे लोग इकट्ठे खाएं पिएंगे तो मजा आएगा। फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। एक तरफ कॉफी साथ सूप, कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं है वैसे। जी जी वैसे ना बोलते हैं रूह जो होती है ना वो पूरी होती है। अच्छा आपने एक दफा बोला था ना मुझे, शायद आपको याद नहीं है, पूरी घोड़ी लाल लगा रुख को पूरी कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, चले थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। जैनब थी जी हमारे साथ, इसका कॉम्बिनेशन भी मेरी समझ में को नहीं आया, कोई अच्छा सा बंदा बताए मुझे आके। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन कहाँ से? मैं सभा बात कर रही हूँ। सभा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती है सभा? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं फोर्थ ईयर में हूँ। अच्छा फोर्थ ईयर में है, माशाल्लाह लड़की जवान हो गई है। अच्छा तो क्यों सुनती हैं आप रेडियो? मैं इसी वजह से सुनती थी कि आपकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और इसलिए भी क्योंकि मुझे खुद को भी अपने पे काम करने का बहुत ज्यादा शौक है, आगे बढ़ने का शौक है, इसलिए। अच्छा इसका ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये है कि इतनी
जो है एप्लीकेशंस मौजूद हैं, वहां पे भी आगे निकलने का बहुत चांस है, बहुत सारे लोग वहां से आगे निकलते हैं। तो अभी भी आप जो है वो एफएम पे हैं, इसका मतलब ये है कि रेडियो एफएम की अहमियत खत्म नहीं की जा सकती, यही कहना चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। नहीं, बड़े अक्लमंद लोग कहते हैं जी रेडियो खत्म कर देना चाहिए, तो मैंने कहा वैसे पूछ ही लूं रेडियो सुनने वालों से, एफएम सुनने वालों से, क्या ऐसा हो सकता है, क्या इसकी कोई अहमियत नहीं है? टीवी की अपनी है, हर चीज की अपनी अलग जगह, और एफएम की भी अपनी अलग जगह है, इसकी कभी भी अहमियत कम नहीं हो सकती। चलें जी, यकीनन मॉनिटरिंग टीम जो है वो तो सुनी रही होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अच्छा, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है सर्दी का? बस यही है कि आप आ गए हैं तो एंजॉय करें, आपको शो सुन रहे हैं, बस इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, आपकी आवाज़ हो और ऐसा मौसम हो। क्या बात है, लड़कियों क्यों ऐसी बातें करती हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मेहताब बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेहताब, कहाँ चले जाते हो मेरी जान? बस मानी भाई, इतने बिजी होते हैं और आजकल टाइम ही नहीं मिलता, ये भी बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। इतने दिन से मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरा गुर्दा किधर है, अब आया गुर्दा मेरा। अच्छा तो मुझे ये बताओ मानी भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं तो आज बड़ा आसान सा सवाल पूछा, क्यों सुनते हो यार एफएम? मानी भाई 2011 से सुन रहा हूँ और वजह मानी है। अच्छा वजह मानी है, वजह तुम हो, ठीक हो गया, वजह तुम हो। अच्छा तो और तबीयत कैसी है मानी भाई सर्दी से? सर्दी ने तो लंब कड्डी है पाए मानी भाई, जिधर हम होते हैं ना सर्दी इधर है, उधर क्या सर्दी है? अच्छा हाँ, नहीं आपके इलाके में तो ज्यादा सर्दी है। जी जी नहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूँ मानी भाई। अच्छा ऑन ड्यूटी नहीं हूँ। ये चेक करें, ड्यूटी पे कॉल कर रहा है ये बंदा, इसका चेक करें, ये क्या रेस्ट होती है मानी भाई? सारा दिन सारी रात ड्यूटी तो नहीं होती, रेस्ट भी होती है, रेस्ट टाइम में शो सुनता हूँ। नहीं नहीं, ये वजह तुम हो वाली बात मुझे बड़ी पसंद आई है मानी भाई। आपके लिए पोएट्री, कॉल नहीं बंद करना। हाँ सुनाए। हम सिया राज में रखे, हम सिया राज में नहीं रखेंगे इश्क तेरा मानी, हम सिया राज में नहीं रखेंगे इश्क तेरा मानी, हम तेरे नाम से खुशबू की दुकान खोलेंगे। क्या बात है, छा गए हो, बादल निकले, बरस जाओ जाके, अल्लाह हाफिज़। लव यू मानी भाई, लव यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से जी? माँ सदके साइमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मानी भाई, सर्दी बहुत है जी। सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, तो मुंह बंद करके रजाई लपेट के सो जाए। नहीं आपको सुने बगैर भी तो नहीं रह सकते ना। अच्छा सुनना भी जरूरी है ना, ये दो मसले हैं। हाँ, तो आप जरूरी है। अच्छा ये जो लोग कहते हैं रेडियो की अब कोई अहमियत नहीं है एफएम की, जरा उनके लिए क्यों सुनती हैं आप? इतनी अक्लमंद है, जवान है, इतनी मतलब समझदार है, क्यों सुनती है रेडियो? सैयद आसिम रजा की वजह से। सैयद आसिम रजा साहब की वजह से? चले अल्लाह ऐसे और भी लोग पैदा करे। दूसरे आप भी तो है ना। अच्छा मैं भी हूँ, ठीक है। नहीं हाँ, नहीं ये वाला जो फ्रेम था ये खत्म कर दिया गया, ये नहीं दोबारा आएगा। अच्छा हाँ, ये तो है, ये एक ही है। मैं वो देख रही हूँ जैसे ये है कोरोना, इसमें दोबारा से जिंदा हुआ है। ऐसा ही है कोरोना के सीजन में, इवन मैं तो लगातार प्रोग्राम करता रहा 6 महीने, मैंने कोरोना, मुझे ऐसे लग रहा था मैं कोई और लफ्ज बोलता था मेरे मुँह से निकलता था कोरोना। हाँ लेकिन कोरोना की बात की जाए तो यकीनन सारे जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे आज। तो मुझे ये बताओ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है सर्दियों का? ये मानी भाई गजरेला, पकौड़े। लड़की तुम चाहती हो कि मैं यहाँ बैठू ना? मतलब तुम चाहती हो कि मैं निकल जाऊँ, मैं कुछ मतलब भूख लग गई मैनू, और उबले हुए अंडे हो मानी। अच्छा। भाई बेच रहे हो, मैं तो सारे खरीद लो। सारे खरीद लो तुम? हाँ। मेरे साथ वादा करो खरीद लो, मैं अभी अंडे वाला बेचता हूँ। चलो अपना ख्याल रखो। वैसे सैयद आसिम रजा जो है ना गरम अंडे कहता हूँ, कैसा लग रहे होंगे भाई जान आप? अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी। ये साइमा थी रावलपिंडी से हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? शिराज बात कर रहा हूँ, फतेह जंग से। शिराज ने फतेह जंग से कॉल की। शिराज क्या हाल कर लिया आपने? शिराज भाई आप सुनाए कैसे? मैं वैसे ही पुराना खराब, ठीक होने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, फिर खराब हो जाता हूँ। नहीं ये तो आपका मेहरबानी, आप आते हैं शो करने। मता लकार दे, मता नीमा घंटा पास टेलीफोन, ठीक से आओ कहना। इतनी पश्तो आती है और नहीं बोल रही।
नहीं भाई पैसे नहीं आते, हम सराइकी है। अच्छा सराइकी है, सराइकी बोलो ना यार मेरे साथ, मुझे सराइकी बहुत नहीं आती। अच्छा तो क्या रेडियो क्यों सुनते हो? रेडियो क्यों सुनते हैं, इससे कुछ होता है जिसका दिल लग जाता है रेडियो के साथ वो इसलिए सुनता है। अच्छा रेडियो के साथ भी दिल लगता है? हाँ ना। मुझे लगा था सेल शेल लगते हैं उसके साथ, कुछ चार्जिंग लगती है। अच्छा उधर भी दिल ही लगता है, कौन लोग हो तुम? अच्छा ठीक है। अच्छा तो सर्दी में क्या तीन चीजें होनी चाहिए बंदे के पास जी? सर्दी में क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है, अगर मतलब ये चीजें हों तो सर्दी की वजह खूबसूरत मौसम है, बारिश है वो अच्छी गुजरती है। एक तो गर्म अंडे। अच्छा गर्म अंडे। अच्छा तो तीजी और यखनी। अच्छा यखनी होनी चाहिए, यखनी से याद करवा दी, वैसे गला खराब है, यखनी पीनी चाहिए। असल में ना मैं मेरा अपना कॉम्बिनेशन खराब हुआ तो मैं सोच रहा था आप लोगों को कुछ ना मैं जरा राज की बातें ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? मुजना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मुंह से बात कर रही है मुजना, फिर रावलपिंडी से? फोन से बात कर रही हूँ। आप फोन से बात कर रही हैं? मैं अपने घर से कर रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही वक्त में इतनी जगह से, ये टेक्निकल लड़की है जी, बड़ी पुरानी टेक्निकल है, आज कुछ नई नहीं बनी। अच्छा मुजना तो रेडियो सुनने की वजह? मैं सिर्फ ये वाला एक ही शो सुनती हूँ। अच्छा तो आप ये कहना चाह रही है वजह तुम हो? नहीं। अच्छा मेरे अलावा सुनती भी नहीं है, कहती है नहीं, वजह भी नहीं हो तुम, ठीक हो गया। अच्छा तो मुझे ये बताओ सर्दियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? ये बारिश में तो चाय और पकौड़े और साथ म्यूजिक। साथ म्यूजिक आए। अच्छा वैसे ना वो कहा गया ना कि बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, ऐसे ही लोग हैं, तुम कुछ चंगी गाल कर लो। हद हो गई है। अच्छा मुजना चले ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैंने भी क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन कहाँ से? मैं रियाज भट्टी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। रियाज भट्टी साहब, अब भट्टी साहब की हाल कर लिया है? सर साढ़े को अतीको रिमान पट्टी नहीं भुगतिया गया आज तक, एक नवा पट्टी नहीं साडा यार सजन भरा है मेरा। बिल्कुल जी बिल्कुल, भी भरा है साडा बिल्कुल। पानी पे सुनाओ की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है पट्टी साहब, तुसी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, कंबल चांदी है। ते पट्टी साहब तुहानू तुहानू केड़े बंदे ने कहा सी एक गलत काम ते लाया, तुसी क्यों रेडियो सुनदे हो? जनाब असी तुहानू सुनदे 2011 च। अच्छा मतलब तुहानू हले तक हदायत नहीं आई? जी जी मैंने भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र शकील साहब, आप ठीक है खैरियत से? जी जी मैंने भी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो सरकार मुझे ये बताए आप क्यों रेडियो सुनते हैं? मैंने भाई वही बात है कि वजह तुम हो। अच्छा वजह तुम हो, फिर ठीक है, फिर ठीक है, काम है आज के लिए सुनते हैं जी। लव यू टू, जीते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है अल्लाह हाफिज। ये देखिए हमारे दो भट्टी भाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? नीलोफर खटक बात कर रही हूँ। नीलोफर कैसी हैं आप खटक जी? शुक्र अल्लाह पाक का। आप वैसे ठीक रहती हैं मुझे लगता है, ऐसा ही है जी, मैं अक्सर ठीक ही रहती हूँ। ये ठीक थी नहीं रहती है। कई लोग नहीं दिखावा कर रहे होते, मैं भी ठीक ही हूँ जी। नहीं नहीं ठीक ही हूँ शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा तो मुझे ये बताओ, अच्छी खासी अक्लमंद बंदी लग रही हो आवाज से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस तरफ किसने कहा इतनी एप्लीकेशन, इतना सब कुछ, इतनी टेक्नोलॉजी, फिर एफएम पे? बस एफएम का अपना मजा होता है। अच्छा पहले तो मैं सुनती थी काशिफ खान की वजह से। अच्छा एंड फिर इमरान अफसर की वजह से, अहमद बिलाल, और आजकल मैं सिर्फ आपको सुनती हूँ। हाय हाय हाय। पाँच साल से ना आपके अलावा कोई भी इतना अच्छा डीजे नहीं आया जिसको मैं सुन सकूँ। चले ये तो बड़ी अच्छी बात है किसी लिसनर के मुँह से ये बात सुनना। Just for you. क्यों 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 चाहती हैं कि मैं फूल के सीट से बड़ा हो जाऊं? हो जाए। अच्छा ना ये लड़की जब रुक के बोलने लगी ना मुझे ऐसा लगा कोई अंग्रेजी में सेंटेंस बोलेगी, मैंने अगला जुमला तैयार किया हुआ था।
मतलब साड़ी अंग्रेजी भी कोई अद्धा किलो होंदी है ना, मैं खंगाल लवा जरा बोलनी ना पै जाए। अच्छा तो क्या कॉम्बिनेशन, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका शो हो और चाय और चिप्स। आए चाय और चिप्स और आप बस आप तो हर जगह होने चाहिए ना। अच्छा होने चाहिए। तुसी सही, तुसी 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 ठीक कह रहे हो, तुहाडी गल मैं समझना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, नीलो फर खटक दीजिए हमारे साथ। और ये खटक फैमिली की वो लड़की है आखिरी जो कि रेडियो रेडियो की वजह से जिसे घर से मार पड़नी है। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? अरीसा फ्रॉम इस्लामाबाद। अरीज? अरीसा। अरीसा, अरीसा जी। बड़ा खूबसूरत नाम है, क्या मतलब है इसका? परी जैसी। परी जैसी मतलब नाम ही है ना, या हो भी परी जैसी। शीशा शर्मा जाए। अच्छा तो क्यों क्यों सुनती हो FM? इसकी दो वजह, एक एंटरटेनमेंट के लिए सुनने की और तीसरा आरजेस के लिए। आरजेस के लिए सुनती हैं आप? तो सारी दुनिया ही FM आरजेस के लिए सुनती है। और उते और उते कड़ा क्रिकेट का मैच हो रहा है। नहीं गाने भी लगी ना। अच्छा हाँ ये भी है वैसे। अच्छा तो सर्दी में अच्छे मौसम में क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है? और ये लड़की भाग गई भाग गई, बड़ी हिम्मत करके इसने कॉल की थी वैसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। द नंबर यू डायल्ड इज नॉट लिस्टेड। मैं केड़ा नंबर डायल कीता है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहां से? हेलो चली गई जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, मैं दिनेश गंजलैंड जिला मुजफ्फरगढ़ से। मानी भाई क्या हाल है? तो भाईजान गली नंबर? गली नंबर 4, मकान नंबर 3। तो मंजी नंबर? तो मंजी नंबर, मंजी नंबर 2। ठीक हो गया। अच्छा तो क्यों सुनते हो रेडियो? मानी भाई बस यार, जब से मैं मार्च में आया था स्कूल से वापस, फिर जब से रेडियो सुनना शुरू किया ना आपकी जब आवाज सुनी, फिर मैंने कहा यार रेडियो तो बड़ी चीज है, सुनना चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट मिलती है, शेरो शायरी मानी भाई की लुत्फ अंदोज होते हैं, बड़ा मजा आता है मानी भाई आपकी शायरी सुन के। फिर मैंने कहा रेडियो सुनना चाहिए, हम तो कहाँ डूबे हुए थे पहले। चले ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ सर्दी सर्दियों में बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सर्दियों में बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि सर्दियों में मूंगफली ज्यादा खाते हैं जनाब। क्या करते हैं? मूंगफली हम ज्यादा खाते हैं जनाब। चकवाल वालो तानू मैं की कमाऊं? मैं मुजफ्फरगढ़ से जनाब। नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा मैं, ये जो सुन रहे हैं चकवाल वाले सारे उनको कह रहा हूँ, कदू आनी तुहाडी मूंगफली? ये तो है मानी भाई, कुछ दोस्तों के नाम ले लो। ले 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 सबके नाम ले ले। सबके नाम ले रहे अनस, मती रहमान, गफर इकबाल, मुजना बासी, इन सब लड़कियों को जनाब सलाम। चले जी थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हमने कहा चले आपकी बात मान ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? अयाज बात कर रहा हूँ मानी भाई। अयाज बड़े दूर समंदरों पार कॉल की थी मेरे भरा ने, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मानी भाई, आप कैसे हैं? मैं वैसे ही पुराना यार, ठीक नहीं हो सका, मुझे भी तरीका बताओ कैसे ठीक हो। हम आपको देख के हम भी खुद भी खराब हो रहे हैं। अच्छा मैं मतलब बच्चे खराब करने में भी मेरा हाथ है? बिल्कुल। अच्छा आपके फैन है ना? अच्छा नहीं नहीं मैं सुधर गया हूँ, बस हम फिर अभी बिगड़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सुधरोगे लगता है। अच्छा तो मुझे ये बताओ क्यों रेडियो सुनते हैं इतनी दूर? दुबई में तो लोग इस टाइम पे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, तुम बैठ के रेडियो सुन रहे हो। रेडियो से ये है मनी भाई के नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो नॉलेज में होता है। अच्छा तो रेडियो की अहमियत इतने सोशल मीडिया ये सब कुछ होने के बावजूद अभी भी है? जी बिल्कुल। चले अगर कोई समझदार बंदा मेरा प्रोग्राम सुन रहा है तो वो मुझे इसका प्रॉपर जवाब दे आके। अच्छा जी मुझे ये बताओ सर्दियों में अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये चीजें होनी चाहिए मेरे साथ। सर्दियों में इतना इधर तो सर्दियां नहीं है वैसे, ये जो बता रहे थे अंडे यज्ञ वगैरह ये सब। हाँ जी। अच्छा मानी भाई जी मैंने सलाम देने हैं। दे दे अनम अवान, अनु है, सदव खान,
साकिब हाशमी, अफसर और मोटो। अच्छा मोटो, मोटो रोला, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी। अभी हम चलेंगे न्यूज ब्रेक की जानिब जी, ब्रेक लगेगा थोड़ा सा, सो वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून्ड टू 101, मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़ी प्यार से। सोशल मीडिया पे ढूंढना है तो जाइए, लिखिए इमरान अली मानी। Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines. रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सनअतों को फरोग देने के लिए पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान ने लाहौर में नया पाकिस्तान मंजिल आसान और दही रसाई प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया है। सदर ने मुल्क की मशहूर जमाना दस्तकारियों के लिए तजारती मौके तलाश करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. Talk about music. Talk about music. Talk about 101, the station with richest sound. Tune in to the 101. जनाब 101 के मुफ्ते यानी कि फेसबुक यूजर्स facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान सारे के सारे पहुंचेंगे और वहां से आप लोगों के अगले 10 मिनट तक मैसेजेस पढ़े जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे जी टॉपिक की तरफ। सो बहुत सारे लोग बेतहाशा मैसेजेस करते हैं, हजारों की तादाद में यहां पे मैसेजेस मौजूद हैं। सो जितने मैं पढ़ सकूंगा, जितनों के नाम पढ़ सकूंगा यकीनन पढ़ूंगा। और मुफ्ते जो है वो पहुंच के जरा इस पोस्ट को शेयर भी कर दे जल्दी से, ताकि जो लोग जिनको 101 का ऑफिशियल पेज नहीं पता, ताकि उनको 101 का ऑफिशियल पेज पता चल जाए। गुड़िया रानी मैसेज कर रही है, कह रही है सलाम टू ऑल लिसनर। राजा हारून दुबई से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि दुनिया से बेखबर है लापरवाह कहीं का।
दुनिया से बेखबर है लापरवाह कहीं का, धड़कन की डुगडुगी पे महवे रक्स मेरा दिल। अच्छा राजा हारून, वैसे मेरा ये शेर मुझे खुद भी बड़ा पसंद है। कायनात दुशा इमरानी मैसेज कर रही है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। उसके बाद जनाब 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 कौन है जी, कुरतुल्लैन इकबाल नैना पिशावर से मैसेज कर रही है। जहांजेब चौधरी है जी, उन्होंने कहा 101 कलर सईदा से कि मानी भाई तुसी ग्रनेट हो। शिमल चौधरी मैसेज कर रही है जी, कह रही है जी सलाम मानी भाई, वालेकुम सलाम। आयशा खान ने मैसेज किया, कह रही है सलाम टू ऑल पाकिस्तान, वेलकम टू द शो मानी, शुक्रिया। उम्मे रुबाब ने मैसेज किया जी दौलताला से। उसके बाद गजनफर खान मरल ने मैसेज किया, कहां से, मुल्तान से, ढोला मुल्तान, ठीक हो गया। उसके बाद जी मोहम्मद जकरिया जकी है, कह रहे हैं सुपर से भी ऊपर शो है, शुक्रिया। शुमाइला गुड़िया ने सियालकोट से मैसेज किया, कह रही है वेलकम टू द शो, शुक्रिया। फातिमा शाह ने मैसेज किया, गुड़िया रानी ने फिर से मैसेज किया। मोमना हनीफ मैसेज कर रही है। उसके बाद जनाब इकरा ने मैसेज किया, माया चौधरी मैसेज कर रही है, कह रही है मेरी हैंड फ्री नहीं मिल रही, पता नहीं किधर चली गई है, उसने बीच में एक लफ्ज भी लिखा लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। अच्छा जी, उसके बाद सुंदस शौकत उर्फ दनीन मैसेज कर रही है, कह रही है वेरी वार्म वेलकम, मुझे कीजिए प्लीज, मैं अरसे के बाद वापस आई हूँ, सो वेलकम टू द शो, वापस आ गई हूँ तुम। अच्छा उसके बाद जी मजीद मैसेजेस, सहर अली मैसेज कर रही है, आमना मानी ने मैसेज किया, जी नूर ने मैसेज किया लाहौर से, मोहम्मद अफसर जो है वो चाकवाल से मैसेज कर रहे हैं, चाकवाल, ठीक हो गया। उसके बाद भाई जान हमको एस रोशीन इमरानी ने मैसेज किया पेखावर से, ठीक है ओके जी। उसके बाद अनु ने मैसेज किया, कह रही है आला शो, शो है आला थोड़ी है आला, अच्छा वो वाला आला नहीं, को और आला में बात कर रहा था। अच्छा शिमल चौधरी ने मैसेज किया जी। उसके बाद मजीद मैसेजेस, आरजू खान मैसेज कर रही है, कह रही है मोबाइल हो, बेड हो, हैंड फ्री हो, शो हो, क्या बात है। अच्छा जी मानी खान शेख का मैसेज है, कह रहे मानी भाई मैं आपका बहुत बड़ा हीटर हूँ, मैं कहता हूँ छा गए हो, सर्दियों में मुझे चाहिए भी हीटर, एसी शेसी बंद फैन भी बंद। अच्छा जी अनाबिया जदून ने मैसेज किया रावलपिंडी से, माहीन अहमद है जी मरी से मैसेज कर रही है, रोज एंजल ने मैसेज किया, निका आवासी मैसेज कर रहे हैं, निके आवासी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है विजेटा। अच्छा जी हानिया आवान मैसेज कर रही है, कह रही है सलाम भैया कैसे है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद अली ने मैसेज किया, कह रहे हैं जबरदस्त सॉन्ग और आज आपने अपनी शायरी लाजमी शामिल करनी है, ठीक हो गया। साकिब हाशमी ने मैसेज किया। उसके बाद जनाब मजीद मैसेजेस और सदफ खान मैसेज कर रही है, कह रही है सभी सुनने वालों को सलाम सदफ की जानिब से, ठीक हो गया। मोनी कहते हैं पूरे मोहल्ले की जानिब से ईद मुबारक। अच्छा जी इनोसेंट अयास खान मैसेज कर रहे हैं दुबई से। उसके बाद मजीद मैसेजेस, फिजा खान फिजा अब्बासी मैसेज कर रही है, कह रही है मोमना अब्बासी, फरहाद गुजर, सदफ खान, मुजी, हया लासानी, अनम इमरानियन, आरजू खान, जोया खान, सबको सलाम, ठीक हो गया। मोहम्मद वकास ने मैसेज किया जी, बहुत शुक्रिया वकास आपके मैसेज का। वकार गोरसी मैसेज कर रहे हैं, जनाब आपको मेरी आवाज पसंद है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जैनब खान मैसेज कर रही है, कह रही है भाई रेडियो इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी वैसे ऐसे ही है ये बात, मैं इस लड़की ने कोई एवं नहीं कह दी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जी सफीना खान थी जिन्होंने ये मैसेज किया, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अली प्रिंस मैसेज कर रहे हैं जी, एडादू प्रिंस हैं। ताहिर राजपूत ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, सैयद अलमदार हमदानी ने मैसेज किया, कह रहे हैं भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जनास बंगश ने मैसेज किया, शानजे खान मैसेज कर रही है, आकिब रियाज ने मैसेज किया, ताबिश मलिक रहे जी हमारे साथ, हमना कमल ने मैसेज किया और कह रही है जी टिकटॉक वाला सॉन्ग लगा दे। किरत इमरानियन ने मैसेज किया, कह रही है भाई आज मैं पहली दफा मैसेज कर रही हूँ, मेरे लिए भी एक गजल सुना दे, 11:30 के बाद सुनाऊंगा। उसके बाद जी मजीद मैसेजेस, मानी भाई भी टिकटॉक पे आ गए हैं जी। सो मेरे एक दोस्त ने वैसे मुझे ये कहा था, उसने कहा कि मानी भाई अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छा काम नहीं करते तो आप बड़े हैं, आप लोगों को करके दिखाना चाहिए कि अच्छा काम कैसे होता है। सो मैंने उसके लिए फिर टिकटॉक का अकाउंट बना लिया ताकि देखे एप्लीकेशन पे पूरा पाकिस्तान मौजूद है। सो अगर अच्छा काम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो उसको भी सराहा जाएगा यकीनन। सिर्फ मतलब जुबाने बाहर निकाल के तो ऐसे हवा में छलांगे लगाना तो स्टार नहीं होता ना, तो कुछ सिखाने के लिए जाना पड़ता है बड़ों को। सो हम भी आ गए हैं टिकटॉक पे।
अच्छा जी, मोहम्मद फैजान अवान ने मैसेज किया, शाहिद खान मैसेज कर रहे हैं, बाबर खान ने मैसेज किया। बाबर खान कहाँ से मैसेज किया आपने? मेरे भाई। अच्छा जी, उसके बाद हाशिद हसनैन ने मैसेज किया, बाबर खान रहे जी हमारे साथ, बाबर बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। उबैदुल्ला ने मैसेज किया, उसके बाद जी जिया खान ने मैसेज किया पिंडी से, कह रहे मानी भाई कैसे हो, आपको बहुत मिस किया, आपके शो को भी मिस किया, मैंने तो मौसम को बड़ा मिस किया। राजा जुलकर नैन क्या नहीं मैसेज कर रहे, कह रहे शो इज वेरी गुड, ठीक हो गया। अब्दुल रहमान ने चकवाल से मैसेज किया, कशफ नूर मैसेज कर रही है, अरीका शाह ने मैसेज किया, पाकिस्तान आर्मी के लिए सलाम है जी, जमशेद अली ने मैसेज किया, उस्मान जट मैसेज कर रहे हैं, हमना कंवल ने मैसेज किया, अबरिश खान ने मैसेज किया, जारा खान रही हमारे साथ, अब्दुल रहमान रहे, हुरिया खान रही, बहुत सारे नाम है, नवीद अहमद रहे, अक्सा मलिक रही, हुरिया खान रही जी, मोहम्मद उल्फत ने मैसेज किया, नूर अबासी नूर, फिजा अबासी रही। अब मेरा ख्याल है टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है और मैसेजेस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ पे, जो कि अकेले बंदे के बस की बात नहीं है मेरे प्राओ। बंदे दो चार मंगवाओ। चलें जी, आप लोगों की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी आप लोग क्या फरमाते हैं, क्यों रेडियो सुनते हैं आप लोग अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब असद शकील बोल रहा हूँ अटक से मानी भाई। जनाब असद शकील साहब कैसे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फरमाया कि बड़ा बुजुर्ग आके बताए हमें कि रेडियो क्यों सुनना चाहिए, रेडियो क्यों सुनते हैं लोग। सर हम रेडियो इसलिए सुनते हैं कि ये जो जैदे बुखारी और पतरस बुखारी ने ये जो पौधा लगाया है, इसलिए हम सुनते हैं कि रेडियो में ऐसे ऐसे लोग जो है ना वो प्रोग्राम करते हैं, अनाउंसर कंपेयर आरजे वगैरह ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जैसे जरगर जो होता है ना, ये तराशता है हीरे को, ऐसा ही है। उस वक्त तक रेडियो में वो बंदा दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो हीरा ना बन जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेडियो सबसे सख्त जॉब है अगर मीडिया में देखी जाए। और इसके पास अथेंटिक मालूमात जो देता है रेडियो, वो दूसरे जो चैनल है, जो दूसरे भी जितने भी चैनल है ना, जो आप बता रहे हैं कि वो आप और क्यों नहीं सुनते, तो उनमें कोई अथेंटिक मालूमात नहीं होती। असल में ना ये तो स्टेट चैनल है असद शकील साहब, यहाँ पे तो हम झूठ बोल नहीं सकते, हमें फिर से जवाब देना होता है। तो ये जो प्राइवेट चैनल होते हैं ना, इन्होंने रात 8 बजे की खबरों के लिए अलहदा बंदा रखा होता है, वो कंटेंट राइटर होता है, उसने बेसिकली मसाला डालना होता है हर खबर के अंदर। और अख्तर इमाम जाफरी, सैयद सलमान उल मुअज्जम, एसएम वागा, फखर नौमानी, ये जितने भी है ये सब हीरे हैं, ऐसे ही जैसे लोग हीरे हैं आप जैसे लोग, अल्लाह खुश रखे आपको। और इसलिए हम रेडियो सुनते हैं और ये रेडियो में अथेंटिक मालूमात, और ये जैद बुखारी का ये पौधा लगाया हुआ, और इंशाल्लाह ये सात कयामत तक इसी तरह जगमगाता रहेगा। ऐसे ही है। बस बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते हैं रेडियो की अहमियत कम हो गई है। अगर रेडियो की अहमियत कम होती तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल कोट करता होता हूँ हमेशा, कि देखें जी अमेरिका जैसा मुल्क, जितना जदीद मुल्क, ठीक है, चाइना जैसा मुल्क की बात कर ले, अभी चाइना ने एक रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया, इसी तरह अमेरिका में जो वॉइस ऑफ अमेरिका है उसकी वो आगे नहीं, मतलब आगे डिफरेंट जगहों पे वो खोल रहा है और मुल्कों में भी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमने अब्दुल सलाम जैसे लोग पैदा किए जो न्यूज कास्टर थे, बहुत कमाल के न्यूज कास्टर थे अब्दुल सलाम, और वो उन्होंने जनाब रेडियो से ही तरबियत की उन लोगों को। ऐसे ही है शकील अहमद से आप देख लें कि इस तरह का न्यूज कास्टर की पूरी दुनिया के पास नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ये बताएं सर्दियों में क्या होना चाहिए बेस्ट कॉम्बिनेशन? सर्दियों में सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हकीम थे, उनका नाम था हारिस बिन कल्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी। तो हजूर ने इरशाद फरमाया कि जब मौसम सरमा होता है तो पल्ला मच्छी जो है और बिलतौज का मुरब्बा और काजू, ये तीन चीजें अगर हो तो यकीन माने कि मौसम दुबाला हो जाता है और सर्दियां दुबाला हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पल्ला मच्छी अगर आप सर्दियों में खाएंगे तो गर्मियों में कभी भी, ये रात को आप जब सो जाते हैं तो आपके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, आप झटकते हैं जोर जोर से झटकते हैं, तो उससे जनाब हाथ पांव आपके कभी भी नहीं सोएंगे और ना ही सुन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हार्ट अटैक नहीं होता। क्या बात है असद शकील साहब, इस्तेमाल मौसम सरमा में कर ली है ना जी। सर मैं कहता हूँ कभी उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। सर मैं कहता हूँ कि आपने मुकदी गल फिर मुका देती है, तुसी सानू पल्ला मच्छी खवा देती है, ते पल्ला मच्छी खाएंगे ते जाएंगे किथे? पल्ला मच्छी में बहुत बड़ी शिफा अल्लाह ने रखी है। थैंक यू। सॉस के मुरब्बे में और पल्ला मच्छी में और काजू में बेहतरीन शिफा है जनाब मौसम सरमा में। थैंक यू सो मच असद शकील साहब।
सब मेरी जानिब से सब सुनने वालों की खिदमत में सलाम, ताहते समाज जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबकी खिदमत में सलाम। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज जी। ये थी जी असद शकील साहब हमारे साथ अटक से। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छुपके से कॉल किए घर वालों से छुपके। और आप ही तो इतने की बातों में क्या कहते शताई बनाने वाले आप है, तो फिर हम कैसे एफएम ना सुने। आपकी आवाज बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही, आप बड़ी छुप छुप के बात कर रही हैं। आप ऐसा काम करें कि दोबारा जब आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? आतिफ अबासी बात कर रहा हूँ। आतिफ अबासी, क्या हाल है अबासी साहब? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप भी बासी हैं? हाँ बस जो भी कहेंगे। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताओ क्यों सुनते हो रेडियो यार? एक तो ये सवाल है कि क्यों सुनते हैं रेडियो, और एक इसके सवाल अंदर एक और सवाल आपने पूछ रखा है कि इतने अकलमंद होकर क्यों सुनते हो। हाँ ये तो, दो सवाल है बेसिकली। हाँ तो ये है कि रेडियो तो सारे अकलमंद ही सुनते हैं। जवाब ही ये था। हाँ जी, ये लड़के ने सही गैस कर लिया कि अक्लमंद ही रेडियो सुनेगा वरना सारे टिकटॉक पे होंगे। बिल्कुल। रेडियो इसलिए सुनते हैं कि रेडियो जो है हर किसी के पहुंच में है। रेडियो वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे कोई और एप्लीकेशन इंटरनेट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती, वहाँ पे रेडियो है। यहाँ पे हम रहते हैं जहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ नेट के भी सिग्नल अच्छे से नहीं होते लेकिन रेडियो के तो पूरे सिग्नल है। रेडियो अपने सामाइन को उनकी जरूरत के मुताबिक मालूमात देता है, प्रोग्राम देता है, इसलिए सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो क्या सर्दी रेडियो तो उन लोगों के लिए भी है जो इंटरनेट यूज नहीं करते, और उन लोगों के लिए भी है जो पढ़े लिखे नहीं है, और उन लोगों के लिए भी है जो ब्लाइंड है। रेडियो तो सबके लिए है। अच्छा सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि रेडियो की अहमियत किसी भी लिहाज से कम नहीं है। किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अगर इस जितने जराये आज मौजूद है ना, इतने और भी आ जाए तो रेडियो इसी जगह रहेगा, इसकी अहमियत यहीं पे रहेगी। अच्छा तो वैसे 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 आप तो बाराकों से कॉल कर रहे हो, मरी से ताल्लुक है आपका? जी मरी से, बेसिकली वहाँ से है। अच्छा बेसिकली मरी से है। तो मुझे ये बताओ क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है मरी में सर्दियों में? वैसे जो आप पूछना चाह रहे हैं वो तो कोई नहीं यहाँ पे आगे बताएगा, क्योंकि आपने याद दिला दिया था कि चैनल है। लेकिन ये है कि जैसे कार्य शकील ने बताया कि मछली और हलवा और मरी की जो शुरुआत है अमलूक, अगर वो मिल जाए ना यहाँ पे। अच्छा तो मैंने एक और बात कही। अच्छा वैसे सारा मरी मेरा जो है ना फैन है, अभी तक अमलोक नहीं आए मुझे। हाँ ना वक्त पहुँच, मुझे भी नहीं मिले इस बार तो मिल जाएंगे। अच्छा साथ ही मुकर गया कहता मुझे भी। आपने कहा था कि पिछले महीने के हर हफ्ते कोई गेम शो हुआ करेगा, और महीना गुजर गया गेम शो हुआ नहीं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, ये क्या है? इसका मैं ना ऑन एयर जवाब देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये थे जी हमारे साथ आतिफ अबासी। और सैटरडे को जो है वो इंशाल्लाह गेम शो होगा। आज गेम शो नहीं होगा, ये मैंने सैटरडे पे शिफ्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? दनीन अबासी बात कर रही हूँ। दनीन, मैं तो सोच रहा था तुम्हारे घर में आके हमको क्या नाम है बिरयानी शिरयानी मिलेगी, गुजर चुकी होगी लड़की, अभी तक जिंदा हो? जल्दी नहीं मिलनी, मतलब अभी तक जिंदा हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, दनीन वापस आई है। कैसी हो तुम? हाँ जी आ गई हूँ। मैंने कहा कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा तो मतलब रेडियो से चली गई फिर वापस आ गई, क्यों सुनती हो रेडियो? बस वैसे ही सुन लेते हैं, आपको ही सुनती हूँ, आपका ही शो बस, उसके अलावा तो कोई भी नहीं। अच्छा ये सजा आखिर में मुझे ही मिलनी है? हाँ जी यही वजह से इनू पालो इनू लितर लगन। ठीक। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि बेस्ट कॉम्बिनेशन सर्दियों का मरी से ताल्लुक है तुम्हारा, वहाँ के तो लोग सर्दी माँ हाँ हाँ हाँ। मरी से ताल्लुक तो है लेकिन हम तो इस्लामाबाद में होते हैं ना, तो अच्छा। यहाँ भी ये है कि बारिश के क्या मरी वाले आने नहीं देते वहाँ? चाय हो, चाय के साथ पकौड़े समोसे हो जाए, और हल्का हल्का म्यूजिक हो, आए हाय आए हाय, और या फिर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, आए हाय ख्याली पुलाव बनाओ तो मेवे क्यों काट पाओ। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच दनीन। अच्छा सुने सुनाए सलाम देने थे। अच्छा मैं मुसलमान की तो तानू दबो सलाम। हाँ,
आरजू को सलाम, मोमना को, अमल को, दुशा को, सदब को, अनीता को, फिजा को, इकराम को, अफसर को, और हारून को, और कौन रह गया है और जो जो रह गए उन सबको सलाम। ठीक हो गया जी, जो जो रह गए उनको भी सलाम। ये तुझे दनीन आवासी, ये पेशे के लिहाज से ये टीचर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? शुमाइला बात कर रही हूँ, सियालकोट से। शुमाइला ने सियालकोट से कॉल कर लिया। शुमाइला क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, सियालकोट वालों ने आज मेरा शो कैसे ले लिया? काम ही लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है अब लोगों ने जोर डाल दिया, अब ले लेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ क्यों रेडियो सुनती हो यार? रेडियो इज लाइक अ फैमिली मेंबर, पैशन है सुनना, एडिक्शन है, अब एडिक्शन बन गई है। अच्छा, तो मतलब इसका हल कोई नहीं है? मैंने FM 101 2008 से सुनना शुरू किया था। आए, आए, आए। तो अभी तक मुसलसल रेगुलर सुन रही हूँ रात के शोज। लड़की जो है ना, अच्छा वो अच्छा डॉक्टर है वहाँ पे सियालकोट में? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, सर्दियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है तुम्हारा? सर्दियों की बारिश, चाय, हाय पोएट्री और एफएम। मेरा तो दिल कर रहा है वैसे आपको ना बता लस्सी बना के पिलाए, ठंडी लस्सी हो, तेज बारिश हो। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मनी भाई, क्या हाल है? हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है। आप सुना है? जी, फ्री है, बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? तलागंग से। अच्छा, तलागंग से बात कर रहे हैं आप, कैसे हैं भाई? मैं प्यारा हूँ जी, आप सुनाए कैसे? अलहमदुल्ला ठीक है। अच्छा, तो आप क्यों सुनते हैं रेडियो? भाई वजह सिर्फ आप हैं। हाय माँ सिद्के, मतलब अगले लित्र भी तैयार। ये जो कह के जा रहे हैं ना वजह तुम हो, इस वजह की मैं सजा भी भुगतनी है बाद है। आप वजीर आजम है ना रेडियो FM 101 के? अच्छा, FM 101 का वजीर आजम, बस दुआ करो पाकिस्तान का भी बन जाओ। पाकिस्तान की तो इमरान ही है ना? तो इमरान है ना, आगे भी तो इमरान हो सकता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, सर्दियों में क्या तीन चीजें जो है वो बड़ी अच्छी है, क्या कॉम्बिनेशन अच्छा है? सर एक तो चाय कड़क किस्म की होनी चाहिए। अच्छा, और आपका शो होना चाहिए। अच्छा, और कुछ म्यूजिक वगैरह? और कुछ म्यूजिक वगैरह, मैं कवालियां चला रहा हूँ, म्यूजिक ही है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी, ये हमारे भाई थे, इसकी भी वजह मैं ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? चीकू फ्रॉम लाहौर। चीकू, कैसी हो चीकू? जबरदस्त, बड़ा मैं ठीक है। अच्छा, ठीक है अभी तो तबीयत ठीक है, तुमसे बात करने के बाद का मुझे नहीं पता। ओ माय गॉड, ओ एम जी। लड़के, लाहौर का मौसम कैसा है? जबरदस्त, बारिश हल्की हल्की। अच्छा, और ठंड ज्यादा ज्यादा। अच्छा, और ऊपर से इमरान अली मानी का शो। अच्छा, तो क्यों सुनते हो रेडियो? भैया रेडियो सुनने की जो वजह है ना, मेन वजह ये है कि मेरे पास तो अच्छा अच्छा मतलब ये अच्छा चीकू, वैसे मुझे तुमसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सर्दियां च की बेहतरीन चीजां होनी चाहिए त्रै जे दे बगैर गुजारा नहीं होता? यार पेठे दा हलवा। अच्छा, कॉफी दा कप, हलवा ते नाल बहुत ही इमरान अली मानी शो करदा होवे, महफिल दा टाइम चलता हो 11:30 बजे तो। क्या बात, वैसे ना वैसे तेन सर्दी च बंदे ने बर्फ खवानी चाहिए, बारिश बहा के बर्फ नहीं गोले खवाओ, बर्फ मरी वाले तो आजकल वैसे बर्फ के गोले ही खा रहे हैं सुबह से लेकर। अच्छा, मरी वालों की गेम ही बदल जाती है, पहले क्रिकेट खेलते हैं पूरा साल, इन दिनों में नई गेम शुरू कर लेते हैं, गोले बना बना के, और कुछ चीज मिलती को नहीं।
मिलती भी नहीं उन्होंने बर्फ के, बर्फ के एक दूसरे को बर्फ मार मार के ऐसे हंस रहे होते ना, पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, पाकिस्तान फतह कर लिया। चलो थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। चीकू थे जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? नजी बात कर रहा हूँ जी। नजी की हाल कर ले नजी? अल्लाह का शुक्र आप सुनाए भाई। मैं वैसे ही पुराना खराब। अच्छा तो मुझे ये बताओ क्यों सुनते हो रेडियो? अक्लमंद आदमी हो, पढ़े लिखे बच्चे हो। एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल से ये जो है एंटरटेनमेंट यहाँ पर रेडियो पे मेरे ख्याल कोई ऐप आपको देख नहीं सकती। और ये कह लीजिए कि डिफरेंट माइंड सेट के लोग आते हैं जो आपसे आगे मुखातिब होते हैं, क्योंकि अगर 24 घंटे हैं 24 घंटे में 12 आवाजें आती हैं। नए नए आपकी आवाज कट रही है, किसी सही जगह पे आएंगे आप ठीक आ रही है? ओए हो, तस्वीर भी आ गई है, पफ ठीक करो अपना। ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने ये कहा ना कि 24 घंटे चैनल चलता तो उससे 12 मतलब 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, 12 आरजे आते हैं उनका, हर आरजे का वे ऑफ टॉकिंग जो है, बात करने का, मैसेज कन्वे करने का दूसरे तक तरीका मुख्तलिफ होता है, जो वो नॉलेज मेरे ख्याल से आपको मिलता है एंटरटेनमेंट उधर से मिल सकता है, कोई आती है मेरे ख्याल से जो नहीं उधर नहीं, वो उधर भी तो टिकटॉक पे भी तो वो आता है ना, क्या नाम है उसका, वो नानी वाला, एक दादी वाला, एक फूफी वाला, क्या नाम है उसका? नहीं जी माने भाई, जो रिटर्नमेंट इधर है उधर नहीं है, मैं टिकटॉक को देखता ही नहीं हूँ, बंदा जो पता एक बंदे का दिल ही ना करे टिकटॉक को तो फिर क्या करे बंदा। अच्छा मैं नाम देख के बड़ा परेशान हो गया, मैंने गया, मैं पहला नाम देखा नानी वाला, मैं दादी वाला। और आपने ये कहा ना कि आजकल की ऐप और मतलब रेडियो, आप इस बात पे तो मैं ही कहूंगा कि 10 साल का लज्जा और एक 50 साल का आदमी है, दोनों में क्या फर्क है? इस बात पे नहीं ऐसा है, मतलब एक 50 साल का वाला बंदा वो बात नहीं करेगा जो 10 साल वाला बच्चा करेगा, ये तो कल की चीज है। ये रेडियो जो है पिछले 50 साल से 10 साल से चलता आ रहा है, तो जो जहाँ उसके लोगों के दिलों में रेडियो की सुनने की मतलब नॉलेज कन्वे करने का, वो आपकी चीजें कुछ नहीं ले सकती। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताओ सर्दियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या? सर्दी का बेस्ट कॉम्बिनेशन और दोस्तों, पुराने दोस्तों, साथ पुराने किस्से हो और गपशप भी हो और साथ चाय कॉफी भी हो या फिर साथ म्यूजिक हो, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन कॉम्बिनेशन। पुराने दोस्त हो, रंग चल रहा हो, चाय चल रही हो, आए हाय हाय, यकीन से मेरे ख्याल से बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। सही बात है, मैं तो हमेशा सर्दियों में बंदा ढूंढता हूँ रंग खेलने वाला, बताओ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है मुझे। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? हाँ, मैं बोलती हूँ ऊंचा। अच्छा जी, ये किसी से लेके आना है ऊंचा बोलो जी। जी कौन कहाँ से? सानिया कुहाट से। सानिया कुहाट से जी, कैसी हो सानिया? मैं ठीक, आप कैसे? मैं वैसे ही खूबसूरत। खराब? नहीं नहीं, खूबसूरत। खराब मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने से भाई क्या होता है? अच्छा तो मुझे को ये बताओ कि रेडियो क्यों सुनता है भाई? जी आप है ना वजह। अच्छा वजह मैं हूँ, ये नहीं कि अगले भी लितर तैयार। अच्छा ठीक हो गया। 2017 स्टार्ट से जब मैं सुनती हूँ तो तब से जितनी लगन है रेडियो से वो आप ही हैं। चले थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सर्दियों में क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है? आपके शो, चाय और फोन। क्या बात है, छा गई आप भी बादल हैं, बरसिए जाके कहीं पे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, द नंबर यू डायल्ड इज। अच्छा मैंने नंबर डायल किया, कौन लोग हो दूसरी? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन कहाँ से? अनीला फ्रॉम लाहौर। अनीला ने लाहौर से कॉल कर ली है। अनीला क्या हाल कर लिए आपने? बस मस्त हाल है, मौसम जबरदस्त है। अच्छा मौसम से ही? अच्छा मतलब मौसम जो है इंसान की जिंदगी पे मतलब अंदरूनी जिंदगी पे भी असर अंदाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मौसम खूबसूरत है, माहौल खूबसूरत लग रहा होता है और बंदा फ्रेश होता है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है ना। क्या बात है, छा गई हैं आप भी बादल है। आप भी बरस जाइए जाके। हाँ मैं बरसने लगी हूँ, आपको बताऊंगी ना कि क्या होना चाहिए। अच्छा मतलब मुझे ये बताओ कि रेडियो मतलब माशाल्लाह अच्छी खासी अक्लमंद बंदी हो।
मैं उड़ना चाहूँ? नहीं नहीं, मैं ऑन एयर कई दफा झूठ भी बोल देता हूँ, आप ना फील करें। आए अच्छा चलो ठीक है, मैं ही रहनी है। कई दफा मैं लोगों का दिल रेडियो बड़ी नॉलेज है, बहुत कुछ मिलता है सुनने समझने को, और एक वन वन की एक प्यारी सी फैमिली मिल गई है। अच्छा। और मैं ज्यादातर सुनती वन वन हूँ, क्योंकि वन वन के बहुत कुछ सीखने समझने और सुनने को मिलता है। अच्छा, आपको लगता है कि वन वन की फैमिली जो है वो खूबसूरत है? बिल्कुल है, वन वन की फैमिली। अपनी ऐनक का नंबर चेंज कराओ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है सर्दियों का? इसमें तो मैं कहूँगी कि ऐसा खूबसूरत मौसम, फिर बारबेक्यू, बोनफायर, और डेक पे कोई अच्छा सा म्यूजिक और कॉफी, चाय, ऐसी चीजें। नहीं, अगर आप बोले ऐसा माहौल, अगर आप बोले ऐसा माहौल हो तो गिटार मैं बजाऊंगा। मैंने कहा बंदा ख्याली पुलाव बनाए तो मेवे को काट पाए ना, और क्या, कोई अच्छा सा खूबसूरत सा म्यूजिक गिटार बज रहा हो तो और क्या चाहिए, बस कमाल हो जाए। बैकग्राउंड मैं लूंगी थोड़ा थोड़ा सा, बैकग्राउंड पे मानी जो है ना वो बजा रहा टन 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 टन, और मैं साथ गा लूंगी मुझसे पहली सी। नहीं सानू पता लगा कि तुम्हारे को पहली जी मोहब्बत गोली होनी, हूं बुढ़े हो गए। नहीं सानू कोई लिफ्टी नहीं कराना, मोहब्बत नु की करना छोटो पर इतनी वंड छड़ी हुण जरूरत ही नहीं है सानू। चले, थैंक यू सो मच अनिला, अपना अच्छा शो जा रहा है, जबरदस्ती अच्छी रौनक जा रही है। थैंक यू सो मच, सबको ढेरों दुआएं इस्लाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। वेनसडे का शो बहुत सारे लोग सुनते हैं, मुझे अभी अभी पता चला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, हैंड फ्री उतारेंगे ताकि आपकी आवाज़ ठीक आए? हैंड फ्री तो उतरा हुआ है। अच्छा, हैंड फ्री भी उतरा हुआ है, तो फिर आप थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करें। बेगम तो नहीं है आपकी, शादीशुदा तो नहीं है आप? नहीं सर, अभी शादीशुदा तो नहीं है। नहीं है तो फिर इतनी दबी दबी आवाज़ क्यों है? अच्छा सर, बताएं फिर क्या, क्यों रेडियो सुनते हैं आप? भाईजान का जो कन है वो फ्यूज हो गया। सो अभी हम चलेंगे जी, एक टाइम चेक की जा रही, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून्ड टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी, बड़ी प्यार से सोशल मीडिया पे मौजूद है। मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। Time check. It's 11:30 p.m. We'll be back after the short commercial break. Aisha, ye tune suno. Batao kiski hai? Theek hai. Ye Fair and Lovely ki. Phir se suno. 100% Fair and Lovely ki hai. Na, to ye Glow and Lovely ki tune hai. Kaise? Kyunki Fair and Lovely ka naya naam ab hai Glow and Lovely. Ab har chehra kare glow. This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. Aisha, ye tune suno. Batao kiski hai? Theek hai. Ye Fair and Lovely ki. Phir se suno. 100% Fair and Lovely ki hai. Na, to ye Glow and Lovely ki tune hai. Kaise? Kyunki Fair and Lovely ka naya naam ab hai Glow and Lovely. Ab har chehra ka dekh lo. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Te llama yo no sé de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta la mañana.
te llama. सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे ते राती गिणदा रहंदा तारे असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए असी तारे गिनण देनी हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं हट जाओ मुर्शिदो मानी आ रहे हैं रंग बहारी हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा हम आएंगे महफिल में और कुछ ना होगा वो शरीके ये अफवाह फैला रहे हैं ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी ये तो आगाज है अभी वाह वाह भी होगी हम तो धीरे धीरे बात बढ़ा रहे हैं पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया पहले बेनाम थे फिर इश्क ने नाम दिया अब लोग कहते हैं कि वो कलंदर जा रहे हैं देवी अज जाहिर हो गए हम भी शायर हैं हम पे गुजारा कीजिए लिख के हम भी शायर हैं हम पे गुजारा कीजिए अब मीर गालिब फैज फराज कहाँ आ रहे हैं अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं असी फिक्के फिक्के जे लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की इन कम जरफों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूँ मैं भीड़ में भी तन्हा हूँ तो क्या हर्ज है भीड़ में भी तन्हा हूँ तो क्या हर्ज है बस अपनी जात में सिमटा हुआ शख्स हूँ मैं और बेवफाई को वफा से जाना मैंने बेवफाई को वफा से जाना मैंने हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूँ मैं और मोहब्बत ही तो एक रोग नहीं है इस दुनिया में मोहब्बत ही तो एक रोग नहीं है इस दुनिया में अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूँ मैं चलें इस मौसम की मुनासबत से एक गजल आप लोगों के नाम सभी जितने मेरे सुनने वाले हैं आप सभी के लिए मेरी तरफ से डेडिकेट है ये गजल वो है कि आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं आए आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं और प्यार मोहब्बत इश्क जुनून
प्यार मोहब्बत इश्क जुनून सब नाम तुम्हारे ही तो हैं। आओ के इन उनवा पर लिखकर कोई फिल्म बनाऊं मैं। और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, हाय हाय, बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, आओ के वो बादल आसमां पर फिर से मोड़ के लाऊं मैं। और इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, आओ मोहब्बत जमा करके फिर जर्ब लगाऊं मैं। और पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, आओ के मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं। और जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, आओ के अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। आज जाहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया, असी लुक दे छुप दे भी आज जाहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। सोने तू कोल मेरे हो में नजारा तेरे रूप दा करदा रवा मेरी जिंदगी का हासिल एक तू ही दिल रुबा है, मेरी जिंदगी का हासिल एक तू ही दिल रुबा है, रोज रब से जिसे मांगू तू ही तो वो दुआ है, हर सहर तेरी फिक्र में हर शब तेरे जिक्र में, दिल में जो गूंजे चार सू तू ही तो वो सदा है, मेरी सोच मेरी चाहतों पे मेरा कोई बस नहीं, तू अनमोल सी मूरत तू सबसे ही जुदा है। मेरी जात थी तन्हा वीरानियां थी हरसू, मेरी जात थी तन्हा वीरानियां थी हरसू, खुलकर जो दिल पे बरसी तू ही तो वो घटा है, और तू है मेरा तो बस मेरा मुझे और कुछ नहीं पता, लुटा दू जिसपे जिंदगी तू ही तो वो अदा है। और एतराफ़े मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म हूँ मैं कर रहा, एतराफ़े मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म हूँ मैं कर रहा, मानता हूँ आज तेरे रूबरू ये मानी तुझ पे फिदा है। और जनाब आज की ये आखिरी गजल आप लोगों के नाम, और उसके बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे, आप लोगों से भी एक एक शेर सुनेंगे, आज मौसम बड़ा अच्छा है तो शेर लेके आएंगे आप मेरे लिए। सो एक आखिरी गजल आप लोगों के लिए कि हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए, जो ना कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, जो ना कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, अपनी याद मेरी जात को नवाज दीजिए, चाहत की कमी है तो कोई बात नहीं है, चाहत की कमी है तो कोई बात नहीं है, आप जितना चाहिए उतना चाह लीजिए। और मेरे दिल की बस्ती अक्सर वीरान सी रहती है, मेरे दिल की बस्ती अक्सर वीरान सी रहती है, तोहफा जो दीजिए तो कोई ख्वाब दीजिए, हिसाब दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ ना कीजिए बस प्यार कीजिए। सितारे गिनण देनी हुण माहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। अच्छा जी, अगले 15 मिनट जनाब आप लोग आएंगे, जितने भी कॉलर्स मेरे साथ आएंगे सारे के सारे कुछ शेर लेके आएंगे, और शेर जो हो वो मेरे लिए भी हो सकता है और मौसम के लिए भी हो सकता है, सो आप जिसके लिए चाहे सुना सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी कॉल्स होंगी, लंबी कॉल्स नहीं करेंगे। राग पहाड़ी तू मिठड़ा मिठड़ा, राग पहाड़ी असी लुक दे छुप दे वी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से?
माया चौधरी, कैसी हो माया? मैं प्यारी। सब माया है वैसे, तुम कैसे माया हो? पता नहीं। अच्छा तो माया क्या सुना रही हैं? क्या सुनाना है, मैं तो टॉपिक से बात करने आई हूँ। टॉपिक कॉल किए जा रहे हैं। टॉपिक खत्म हो चुका है, मुझे पता ही नहीं था। चलें, बाकी आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ख्याल रखना अपना है, ठंडा ग्लास पानी का पियो, सो जाओ। मैं कब से कॉल कर रही हूँ, मुझे टॉपिक से बात करनी है, ये क्या हो गया? वो तो गुजर गया ना बेटा, वो तो कल हो गया, भूल गया मैं। क्या टॉपिक था वैसे मेरा? मैं 15 मिनट के बाद गजनी बन जाता हूँ ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, भूल जाता हूँ क्या किया था मैंने 15 मिनट। आप ही अच्छा मुफ्त में मेरे, अच्छा मुफ्त, अच्छा मुफ्त, अच्छा मुफ्त में ना मेरे, मैं भी आपकी तरह। अच्छा शेर सुना तू, सुना दे शेर, मैंने बकरी नहीं सुननी, शेर सुनना। ओके okay. तुम यूँ ही लाहौर में आंखें लाल कर रहे हो, तुम यूँ ही लाहौर में आंखें लाल कर रहे हो, सारा नशा तो इस्लामाबाद में है। हाय हाय क्या बात है, आपकी सिटी के बारे में मतलब मुझे अच्छा लगा था, मैंने सुना दिया। मेरा शहर तो फिर मेरा शहर है, मेरा शहर वैसे गुजरात है लेकिन मेरा दूसरा शहर इस्लामाबाद है। बेशक, अल्लाह हाफिज। ये थी माया, हमारे साथ चौधरी भी है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल कर लिए मेरे भाई आपने? हेलो, गया जी मेरा भाई, भाई दी कॉल गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, ये कॉल आ गई जी। आतिफ अब्बास की बात कर रहा हूँ। आतिफ क्या सुना रहे हैं फिर, मौसम के लिए लेके हैं, मेरे लिए लेके हैं? नहीं आपके लिए नहीं, मौसम के लिए। अच्छा मौसम आज मुझसे प्यारा है, मुझे पता है। सर्दी में बड़ी धूम मचा रखी है ना। हाय हाय, वो है कि मेरी चाहत किस कदर थी और लोगों से जुदा, मैं उसकी याद से वास्ता ही और था, यूं तो मैं भी आशना थी मौसमों के दौर से लेकिन मेरे घर पे बारिशों का सिलसिला और था। वाह बहुत अच्छे भाई, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये थे जी आतिफ अब्बासी हमारे साथ, और नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, मौसम के लिए या मानी के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए आप शेर लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मानी भाई कैसे हैं आप? मैं वैसे ही पुराना खूबसूरत, आप सुनाए। लाइबा नदीम, लाइबा नदीम के लिए चाय लेके ना बगैर पत्ती। अच्छा लाइबा नदीम कैसी है आप? आप शेर जो है वो मौसम के लिए लाई है, मेरे लिए लाई है? मैं आपके लिए शेर लाई। हाय माँ सदगे ही चले जाए। हाँ जी आ जाओ। उतर जाते हैं कुछ लोग दिल में इस कदर, उतर जाते हैं कुछ लोग दिल में इस कदर, जिनको दिल से निकालो तो जान निकल जाती है। ओए मैं कहता हूँ ये गुर्दे आपके हुए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। असल में दिल बहुत जगह दे दिया, अब गुर्दे देने पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मोहम्मद अफसर बात कर रहा हूँ। एड़ा तू अफसर, अल्लाह दे बंदिया। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन घर वालों ने मतलब नाम रखते हुए कुछ भी नहीं सोचा। काश सोच लेते। सोच लेते ये भी कोई बंदा होता। अच्छा तो, बंदे। अच्छा तो किसके लिए लेके आयो, मौसम के लिए या मानी? आज मौसम, मौसम वर्सेस मानी है। मौसम के लिए लेके आया हूँ। आ जाओ फिर। है कि कहाँ पूरी होती हैं दिल की सारी ख्वाहिशें, आए हाय कहाँ पूरी होती हैं दिल की सारी ख्वाहिशें, कि बारिश भी हो यार भी हो और पास भी हो। आए और मानी भाई सब सुनने वाले सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा जा रहे हैं। बड़ा बड़ा शेर तुमने पढ़ा आज है। थैंक यू मानी भाई। नहीं मैं ये मैं तारीफ नहीं कर रहा। नहीं अच्छा मानी भाई बात सुनिए, बात सुनिए, ये टिकटॉक पे आप भी आकर बाबा जी से अलकोट करेंगे या कोई नहीं? नहीं नहीं मैं भी बोलूंगा बाबा जी से अलकोट। नहीं वो ना अभी मैं बताऊंगा, बल्कि जाते हुए सबको अगर मुझे को फॉलो करना चाहता है, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं यकीनन फॉलो करें मुझे टिकटॉक पे, और बेहतरीन काम देखें वहाँ पे, अच्छे काम भी होते हैं टिकटॉक पे, हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल आपकी पोएट्री मतलब जिस आवाज में आप पोएट्री करते हैं माशाल्लाह से, अगर वो लोगों ने व्यूज आना उसको शुरू होगी तो इंशाल्लाह ट्रेंडिंग में जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
जितने लोग भी टिकटॉक फॉलो करते हैं, डीजे मानी 101, मानी के स्पेलिंग जो है ना वो MAANI है, डीजे मानी 101 टिकटॉक पे हूँ मैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? फैजान बात कर रहा हूँ, नथिया गली से। फैजान नथिया गली से, कैसे हो फैजान? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम तो इस टाइम पे कड़ाकेदार है वहाँ पे है? जी सर, इसमें कोई शक नहीं। तो आज फिर मौसम के लिए सुनाए, छोड़े मानी के लिए। सर मौसम के वाले से है, बारिश थम थम के बरस के मेरा महबूब आ सके, के बाद इतना बरस के वजह ही। अच्छा, वैसे खुद गर्ज नहीं है बंदा जिसने ये लिखा है? सर मैंने तो आपके लिए ये बोला है ना। थैंक यू सो मच फैजान, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। प्रोग्राम के आखिरी कुछ कॉलर्स हैं जी हमारे साथ, फैजान नथिया गली से थे अभी हमारे साथ, और फैजान इससे पहले लास्ट प्रोग्राम में भी थे, ऐसे ही है फैजान? बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी तक साथ है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज फैजान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? इरफान बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी मरीज। इरफान क्या हाल कर लिए बड़े अरसे के बाद, मेरे दोस्त, मेरे हबीब, मेरे रफीक? बस मानी भाई, मैं छुट्टी चला गया था, मेरी शादी थी। शादी थी भाई जान, शादी की है आपने? जी जी, मैंने शादी कर ली। वो अभी भी सांस आ रहा है। बहुत कॉल मिला रहा, कॉल लगी। बहुत बहुत मुबारक हो इरफान, बहुत बहुत मुबारक हो जी। वो खैर मुबारक, ये मेरी वाइफ भी कॉल करना चाहती है। जी जी जरूर करवाएं भाभी से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अजमत लियाकत। अच्छा अजमत लियाकत। अच्छा जी, 101 पे एक और कपल बन गया है यहाँ पे। बहुत 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 मुबारक हो आप। इंटरनेट के थ्रू नहीं? अच्छा इंटरनेट के थ्रू नहीं हुआ? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा ये ऐसे ही थ्रो हो गया। अल्लाह मेरे भाई को पहले भी बड़ी मुश्किल में था आर्मी में, आसानियां पैदा कर। कोई गल नहीं, अपन ने तो शौक पूरा किया, शौक से ब्याह था। चलें जी, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और ये कपल जो है इसके लिए स्पेशल जाते हुए आखिरी गाना होगा मेरी तरफ से। अच्छा शादी करके भी मेनू कॉल मिला रहे हो तुसी दोए? अल्लाह खुश रखे, बहुत सारिया दुआएं। थैंक यू की पूरी फैमिली की तरफ से जी। अजमत लियाकत माशाल्लाह यहाँ की जो है ना वो सदर है। सदर है, बिल्डिंग टूटी फूटी हुई। हाँ नहीं नहीं, पिंडी वाला सदर। थैंक यू मानी भाई, बहुत शुक्रिया। सलाम भाईजान, वैसे क्या सलाम हमारी तरफ से। वैसे भाईजान क्या जरूरत थी? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले काशिफ अब्बासी बात करूँ। काशिफ अब्बासी, आखिरकार तुम्हारी कॉल मिल गई। मुझे लगता है तुम्हारे मोबाइल से सिर्फ मैसेज होते हैं। बड़ी ट्राई की है, कॉल ही नहीं लग रही। तो क्या सुना रहा है काशिफ? सुनाता हूँ मैं आपको, खेत के उसके साथ जो गुजारा वो मौसम याद आता है। आहा। उसके बाद कोई मौसम सुहाना हो नहीं सकता। आहा। क्या बात है। पांच से नहीं छुपता, दिखाने से नहीं दिखता। ये आतिशे इश्क है, इसमें बहाना हो नहीं सकता। बात तो सच है। जी बिल्कुल। और मनी भाई, मोहम्मद अफसर को सलाम, वो कह रहा था कि बाबा जी से अल्कोहल का नारा लगाना है, तो वो लगा दें आप। नहीं जी, देखे सियालकोट गुजरात, मैं गुजरात से मेरा ताल्लुक है, सियालकोट से मेरा बड़ा, हमारी रिश्तेदारियां हैं सियालकोट के अंदर, तो वो ठीक है सारी बातें, लेकिन अभी अभी मैं ये नारा लगाता हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं बस उसे मुझे बोला था, मैंने बता दिया। वो देखो कुछ चंगा काम भी है। अरे फूटे ने। थैंक यू काशिफ अब्बासी जी हमारे साथ मरीज है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, जिनेश्वर फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ जनाब। आपको मैं केस सुनाऊंगा। सुनाए भाई। ये कहता है कि हरम में कुछ है, हिंदू ये समझते हैं कि सनम में कुछ है, दोनों का खुश फहमी है, दोनों है इसमें गुम, हम तो ये समझते हैं कि हम में कुछ है। आए मानी भाई, ब्लाइंड गणेश का तो वकील साहब से फरमाइश है, तुम्हारे ब्लाइंड के लिए कोई हकीम है तो थोड़ी देर कोई बता दें। चले देखते हैं। हाँ जी मानी भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ी सख्त किस्म की मेनू जुगत आई सी, लेकिन मैं मारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ صدام عباسی اسلام آباد. آخر کار یہ عباسی بھی پہنچ ہی گیا. عباسی کیسے ہو؟ بالکل ایسے ہمارے بھائی الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کا شو اور میں نہ ہوں کیسے ہو سکتا؟ نہیں یہ بھی تو بات ہے نا. ویسے موسم کے لیے آ رہے ہو آج شعر سنانے یا میرے لیے آ رہے ہو؟ موسم کے لحاظ سے پہلے تو سب سے پہلے آپ کو ٹک ٹاک میں نے آج ویلکم کرتا ہوں. اچھا تم بھی ٹک ٹاک پہ ہو؟ ہاں آپ کو دیکھ کے میں بھی آ گیا. دو تین دن ہوئے میں بھی آیا ہوں آپ کو دیکھ کر. اچھا اگلے لتر تیار نے. بالکل ایسے ہی اور ہم دونوں مل کر ایک نعرہ لگائیں گے. بابا جی گجرات ہیں. نہیں جی گبرو گجرات میں. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں میں نے ویسے تو اس کے لیے اسلام آباد کے لیے ایک شعر لکھا ہے وہ میں ذرا ٹک ٹاک پہ لگاؤں گا کچھ دن میں. نہیں نہیں اپلوڈ کرے نا میں تو آپ کو کمنٹ پہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ بہت زبردست پوئٹری ہے مزہ آتا ہے ویسے اس موسم میں سنتے. چلو شعر سنائیں گے جلدی. نومبر سے بچیں گے تو ڈالے گا. ہائے نومبر سے بچیں گے تو دسمبر مار ڈالے گا. یہ دسمبر بڑا اچھے خاصے بندے کو مار ڈالتا ہے. السلام علیکم جی. مہتاب آ گیا. مہتاب کس سنا رہے ہو یار؟ منی بھائی چھوٹی سی پوئٹری. مجھے پوئٹری اچھی لگتی ہے. غزل اتنی زیادہ اچھی نہیں. ہاں ہاں شعر ہی سنیں گے ہم جی. وہ کہتے نا موسم جو ذرا سا سرد ہوا. ہاں موسم جو ذرا سا سرد ہوا واللہ پھر وہی پرانا درد ہوا. ہائے میں کہتا ہوں چھا گئے ہو تم بھی. منی بھائی لو یو اور اپنا بہت سارا خیال رکھو. اپنا بہت سارا خیال رکھو جی. اور مہتاب کی کال آج کے پروگرام کی آخری کال تھی جی. اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹریک ہم لگائیں گے جی. ہماری بہن جو ہے اس کی اور ہمارے بھائی کی شادی ہوئی ہے جی. بھابھی بھائی دونوں کے لیے میری طرف سے یہ ٹریک سنیے گا انجوائے کیجیے گا. تو جناب چھوڑے جا رہا ہوں اس خوبصورت ٹریک کے ساتھ اور اس غزل کے ساتھ کہ مجھے اس بے وفا کی تلاش ہے. میری تلاش بھی آپ چیک کرے ہیں. کہ مجھے اس بے وفا کی تلاش ہے جو مجھ کو وفا کا حساب دے, میرے روح کی دھول اتار دے, میرے جذبوں کو جو نام دے, میرے خیالوں کے نقش بگاڑ دے, مجھے بنائے بنا کے سنوار دے, میں جی نہ پاؤں اس کے بنا اور جدائی کی وہ دعا دے, میرے اشعار کچھ ادھورے ہیں, میرے لفظوں کو جو زباں دے, مجھے اس بے وفا کی تلاش ہے جو مجھ کو وفا کا حساب دے, مجھے اس بے وفا کی تلاش ہے. چھوڑے جا رہا ہوں جس خوبصورت ٹریک کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے میرے لیے ضرور دعا کیجیے. میرا نام عمران علی ہے اور مجھے کہتے ہیں مانی بڑے ہی پیار سے. اگر سوشل میڈیا پہ موجود ہے مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو جائیے گوگل کیجیے, فیس بک پہ جائیے, انسٹاگرام پہ جائیے, یوٹیوب پہ جائیے, اب تو ٹک ٹاک پہ جائیے, لکھیے عمران علی مانی میں مل جاؤں گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. زندگی آ رہا ہوں میں. Thank you for me.